बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे टाइम मैनेजमेंट का 27वां पार्ट है, 27 नंबर का पार्ट है, जिसका हेडिंग है टाल मटोल ना करें, टाल मटोल ना करें। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसको देखिएगा सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा आज। तो हम सभी कभी ना कभी टाल मटोल करते हैं, आज के काम कल, है ना, होता है ना, आज के काम को कल पर डाल देते हैं। कारण ये होता है कि कभी हमारा मूड नहीं होता तो कभी काम मुश्किल लगता है। लेकिन ये याद रखें, टाल मटोल समय के प्रबंध की दृष्टि से ख़तरनाक है। यानी कि टाइम मैनेजमेंट के रूल्स के, टाइम मैनेजमेंट करने की नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत ही नुकसान वाली चीज़ है कि टाल मटोल करना। अभी काम है तो अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, कल करूँगा, ये सब चीज़ें छोड़ दे। जो काम का जो टाइम है उसको पर निपटा दे। इसका एक नुकसान तो ये होता है कि आप कल के समय को गिरवी रख देते हैं। जिस काम को आप आज निपटा सकते हैं उसे कल पर टाल देने से आप कल के बोझ को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। यानी कि जो काम आप आज कर सकते हो तो फिर उस काम को कल के ऊपर क्यों डाल रहे हो? कल आपके पास और भी काम होंगे और कल आप उसके ऊपर और बोझ डाल रहे हो तो आपके लिए कल और मुश्किल ज़्यादा खड़ी हो जाएगी। तो आज का काम आज ही निपटाएं ताकि आने वाले कल पर बोझ ना पड़े। संभव हो तो आने वाले कल के कुछ काम भी आज निपटा लें। यानी अगर हो सके तो, अगर बोलते ना कि क्या बोलते हैं उसको, अगर हो सके, मुश्किल ना हो तो आज के काम आज तो निपटा ले, लेकिन कल के भी कुछ काम हो उसको भी आज निपटाने की कोशिश करें ताकि कल के दिन आप पर दबाव कम हो जाए और आप उसमें नए काम कर सकें। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 27वां सिद्धांत है कि टाल मटोल ना करें। अब ज़रा ये समझ लें कि हम टाल मटोल क्यों करते हैं। इसके कई कारण होते हैं। या तो काम बोरिंग या मुश्किल होता है, या उसकी कोई समय सीमा नहीं होती, या उसका लक्ष्य स्पष्ट यानी कि उसका टारगेट हमें बोलते ना क्लियर नहीं होता, या आपको ये काम इतना बड़ा नज़र नहीं आता कि आपको समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें। इसके अलावा कई बार तो हम इसलिए भी टाल मटोल कर जाते हैं क्योंकि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती और हम सोचते हैं कि पूरी जानकारी के बगैर काम नहीं हो सकता। 100 बात की एक बार। टाल मटोल का कारण चाहे जो भी हो उसे दूर करें और आज के काम को आज ही पूरा करने की आदत डालें। ये कभी ना भूलें कि बुलंद इरादों से हर समस्या सुलझ सकती है और कमज़ोर इरादों से हर समस्या विकराल यानी कि और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है। असल सवाल तो ये है कि आपका इरादा कितना बुलंद है। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, यदि कमज़ोर इरादों से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, कमज़ोर इरादों से समस्या और भी बिगड़ सकती है ना। ये कभी ना भूले कि बुलंद इरादों से हर समस्या सुलझ सकती है, बुलंद हौसलों से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है, और कमज़ोर इरादों से आपकी उस प्रॉब्लम में और भी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखिए। टाल मटोल का सबसे आम कारण यही होता है कि किसी काम को करने का हमारा मूड नहीं होता। देखिए ये बात अच्छी तरह समझ लें कि अच्छा काम करने का मूड कभी नहीं होगा। मन चंचल है, यानी कि बोलने के दिल हमारा जो एकदम अजीब है, और अगर सदियों से इसे वश में रखने का कहा जा रहा है तो इसके पीछे कोई अच्छा कारण होगा। मन कभी भी अच्छी चीज़ों की ओर नहीं जाता, बहुत कम जाता है, क्योंकि उनके लिए अनुशासन और श्रम की ज़रूरत होती है। ये तो हमेशा क्षणिक सुख और आनंद के पीछे ही भागता है, यानी कि टेम्प्ररी जो खुशियाँ होती है, टेम्प्ररी जो सुख होता है, इसके पीछे मन हमारा ज़्यादा लग जाता है। इन फ्यूचर जो आने वाली जो चीज़ें उसकी तरफ कम जाता है। जैसे लड़कियों के साथ बातें करने का तो आपका मूड हमेशा रहता है, लेकिन आस्तीन चढ़ाकर और कमर कसकर मेहनत करने का आपका मन कभी नहीं होता। मन मेहनत से घबराता है, इसलिए अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो मन या मूड के गुलाम ना रहें। मन को अनुशासित करें, यानी कि उसके लिए रूल्स बनाएं, अब मन को अपने कंट्रोल में रखें और मूड हो या ना हो काम शुरू कर दें। टाल मटोल करने का एक और रूप काम का अधूरा छोड़ना भी, यानी कि कुछ भी काम को आप पूरा, उस किसी भी काम को आप हाथ में लें तो उसको पूरा करें। आप किसी काम को अधूरा छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि उसे कल पूरा कर लेंगे। जब कल आता है तो आपको ये याद करना पड़ता है कि आपने उस काम को किस मोड पर छोड़ा था, आपका लक्ष्य क्या था और आप उसे कैसे पूरा करने वाले थे। इस चक्कर में आपका बहुत सा समय बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा हो सकता है कि अगले दिन आपके पास
उस काम को करने की फुर्सत ही ना मिले, इसलिए हमेशा काम को पूरा करने ही उठे। अगर काम बड़ा हो तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट ले और सिर्फ एक हिस्से ही को ही पूरा करने की योजना बनाए। टाल मटोल करना एक लोकप्रिय बहाना है, और जैसी स्पेनिश कहता है कि कल सप्ताह का सबसे व्यस्त दिन होता है, यानी कि आने वाला जो कल होता है ना, आप सोचते हैं कि मैं आज का काम कल कर लूँगा, तो इम्पॉसिबल है, वो बहुत मुश्किल काम है, बल्कि कल आपके पास और भी बहुत सारे काम होंगे। हाँ, पॉसिबल हो कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार कल कर लूँगा, आज बहुत ज़्यादा काम है, आपने फुल मेहनत कर ली है आज, यार आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही, हो सके तो उस काम को आज ही कर ले, और अगर नहीं हो सके तो फिर उसके लिए कुछ सेटिंग करें। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, टाल मटोल की आदत निकाल दे, क्योंकि आज ये मेरे साथ भी होने वाला था। इतने सारे वीडियो मुझे बना रहे थे, सब मैं शूट करने वाला था, मैं बहुत थका हुआ था, मैंने सोचा कि यार अभी मैं सो जाऊँगा, लेकिन सो नहीं पाया, क्योंकि मैंने सोचा कि यार अभी छोड़ दूँगा, अभी नहीं करूँगा तो फिर कब करूँगा। तो ये हर किसी के साथ होता है, बस तो थोड़ा अपने आप को संभालना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, दुआ खैर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़।